अभी लॉकडाउन के वक्त हमने काफी सारी बुरी खबरें सुनी हैं, बहुत सारे लोग स्ट्रेस होके काम के वजह से, पैसों के वजह से, दे हैव यू नो डिसाइडेड टू एंड देयर लाइफ. व्हाट डू यू वांट टू से टू द एस्पायरिंग एक्टर्स जो काम कर रहे हैं, बिकॉज़ यू हैव बीन इन द इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट यू नो सो लॉन्ग, तो आप क्या कहना चाहते हो अपने खुद के एक्सपीरियंस? यार बहुत सारी चीजें हैं एक्चुअली, सिर्फ एक्टर्स को ही नहीं, ये बहुत सारे लोग इस चीज से बॉदर हुए हैं. कईयों का बिजनेस बंद हो गया है, कईयों के रेस्टोरेंट्स बंद हो गए हैं, कईयों का चलता फिरता काम बंद हो गया है, इन्वेस्टमेंट्स खत्म हो गई है, EMI देने लायक नहीं है. तो ये सिर्फ एक्टर्स के लिए ही नहीं है, ये बहुत मल्टीपल लेवल पे ये स्ट्रगल चल रहा है. ये अगर आपने मेरे लाइव देखे हो तो मैं अभी रिसेंटली आई हैड गॉन लाइव विद अ गाय कॉल्ड जेरिक रॉबिन्स, जो वर्ल्ड में बहुत ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर है. उन्होंने मुझे एक बड़ी अच्छी चीज बोली जो शायद मैं अपने उसमें बताना चाहूंगी, और डेफिनेटली चाहूंगी कि अगर कोई दो भी इंसान आपके लाइफ में ये चीज समझ जाए और शायद उनको हेल्प हो जाए, आई विल बी वेरी हैप्पी. उन्होंने कहा दैट इट हैज कम डाउन टू द बेसिक्स. अगर आप इस वक्त जब, जैसे मैंने कहा, मुझे पता है कि मेरी सेविंग यूज हो रही है, मुझे पता है कि मेरे पैसे खत्म हो रहे हैं, मुझे पता है ये चीज, लेकिन अगर जान है तो जान है, कम से कम रूफ है. इस वक्त खाना, रहना और सर्वाइवल उतना ही इम्पोर्टेंट है. अगर आप उतना कर पा रहे हैं तो और डिप्रेशन की कोई बात नहीं है, क्योंकि उसके बाद आपके पास पूरी जिंदगी पड़ी है, यही तो करना है, कमाना है, अपना नाम बनाना है और आगे बढ़ना है. उसके पूरी जिंदगी हम लोग और करते भी क्या, यही तो करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों को सेटिस्फाइड होना अपने अंदर, अपने इस बेसिक नेसेसिटी को पहचानना कि मेरी बेसिक नेसेसिटी है मेरा बच्चा ठीक रहे, मैं खाना पीना जितना है भरपूर ला सकूं, और ठीक है मेरी सेविंग जाएगी ना, मैं 2 साल एक्स्ट्रा काम करूंगा या करूंगी. अगर वो कोई जेन्युइनली एक्सेप्ट कर ले तो फिर डिप्रेशन नहीं होगा. प्रॉब्लम ये है, हम कई लोग आज के डेट को भी नॉर्मल ट्रीट कर दो, दे आर ट्रीटिंग इट लाइक नॉर्मल डेज, इट्स नॉट नॉर्मल, तो फिर आउटपुट नॉर्मल कैसे होगा? So for me, even to the actors, I want to tell ki I know it's very difficult. I know, kaiyon ke paas EMI ke liye nahi paise hain. Abhi filhal ke liye, 2-3 mahine ke liye, bhale aap kahin PG mein shift ho jaiye, 2 ki jagah 4 log reh lijiye, koi farak nahi padta. It's a matter of few months. Uske baad then you work double hard, and things will get better. But ye time nikalna bahut zaruri hai. So right. I really hope that people don't get into the depression. And accept the reality and take it as a reality. कि ये है, अब इसको face करना है, कुछ नहीं कर सकते. And they'll get out of it, I think. You have been in the industry for so long, Daljeet. Did you personally knew Sushant and because that was one news जिसने सबको हिला कर रख दिया. Nobody was ready to accept and believe it. Did you knew him through friends, via friends, या फिर personally जानते थे? I knew him personally. I've been very fortunate to have spent some time also with him. Sushant का तो ऐसा topic है ना मेरा, every day want to wake up to this news becoming a fake and somebody saying कि ये बहुत stupid सा किसी का prank था, क्योंकि ये believable ही नहीं है. क्योंकि तो सब लोग कह रहे हैं कि उसके पास तो काम था, जरूरी नहीं है कि आपके पास काम है तो आपके पास दूसरे रीजंस नहीं हो सकते, तो ये तो बहुत गलत है कहना. लेकिन सुशांत वाज अ वेरी इंटेलिजेंट, अ वेरी विटी, अ वेरी हम्बल, ग्राउंडेड, जो जैसे फैमिली के जो लोग होते हैं ना, जो अपने होते हैं, बिल्कुल वैसा. चाहे वो कुछ भी बनना, वो एक्टर के नाम पे बोलो आप, एज अ सेलिब्रिटी क्या उसने जो जो अचीव किया, he never had that thing, he was always arrogance. So warm. No arrogance to dur ki baat hai, not at all. Like he was so warm, he was so real. Jo actors nahi, aaj main itne actors ko milti hu, mujhe kitne saal ho gaye industry mein, actors they have the nicest smile but it's fake. Sushant dur se bhi na wo aura nahi tha uska. And mujhe ab khair ab to theories hi hain, I really pray and pray to God ki ye theories khatam ho, kyunki jo family mourn kar rahi hai aap use unhe aur reasons mat dijiye ki ye hua hoga to
तो अब वो उस चीज के लिए वेंचफुल फील करे कि किसी इंसान ने सडनली उठ के बोला कि मेरे हिसाब से ना ये लिंक है, तो अब फैमिली उस चीज के ऊपर एंगर फील करे। उनको तो बेचारों को पता भी नहीं, आज किसी को नहीं पता। या तो इन्वेस्टिगेशन हो, यू नो, जिन लोगों ने आई थिंक जिनको पता है कि क्या प्रोसीजर होता है टू फाइंड आउट द ट्रूथ, लेकिन थियोरीज नहीं क्रिएट करनी चाहिए, यू नो। आई मीन सुशांत डिजर्व्स दैट रिस्पेक्ट, ही डिजर्व्स लॉट ऑफ लव, यू नो, एंड द यू नो द अनफॉर्चुनेट थिंग दैट ही इज नॉट हियर, आई थिंक वी ओ इट मोर टू हिम टू गिव हिम मोर लव एंड रिस्पेक्ट एंड टेल हिम कि यू नो वट एवर डिसीजन यू टुक, यू नो, वी लव यू एंड दैट इज वॉट ही डिजर्व्स बिकॉज ही इज ओनली गिवन दैट। मेरे कितने लोग हैं जो स्टाफ उसके स्टाफ को जानते हैं, जो बोलते हैं कि कितने प्यार से ही इज बिन कीपिंग ऑल ऑफ देम, यू नो। तो मेरा बहुत दिल दर्द होता है जब भी सुनती हूँ कि यार उसकी किसी थियोरी के हिसाब से ये आया। मैं खुद हेला दीज पीपल, आप मानती हूँ कि आप फैंस हैं, मैं मानती हूँ कि आप यू नो एज मच एज आई एम प्रोबेबली आप भी उतना ही फील कर रहे हो, बट थियोरी देके आप उनकी फैमिली को और रीजन मत दो, यू नो, दे हैव लॉस्ट देयर चाइल्ड, इट्स अ वेरी बिग थिंग। सो सुशांत का इट इज समथिंग दैट आई डोंट थिंक आई विल एवर कम टू टर्म्स विद इट, यू नो। एक खुशहाल पंजाबी इज वन पर्सन, आई रिफ्यूज टू बिलीव इज नो मोर। आई थिंक मैंने बहुत कोशिश की है, आई हैव क्राइड अबाउट इट, आई हैव बीन एंग्री अबाउट इट, बट आई थिंक आई हैव कम टू दिस पॉइंट वेयर आई रिफ्यूज टू बिलीव इट। वो हो ही नहीं रहा है, यू नो। आई थिंक खुशहाल का तो इट्स बीन अ लिटिल टाइम आल्सो, हां दिसंबर, वो दिसंबर, ओह इट्स बीन सो लॉन्ग। मुझे आज भी अगर आप बोलेंगे ना तो मुझे वो एक्सेप्टेंस नहीं है, मुझे वो है ही नहीं, बस वो मैं एक्सेप्ट नहीं, शायद मेरा दिल कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा, एंड सुशांत विल बी वन ऑफ देम। जबकि सुशांत ऐसा नहीं है दैट ही वाज द क्लोजेस्ट फ्रेंड और ऐसा कुछ नहीं है, खुशहाल वाज मच क्लोजर, बट I don't think I'll ever come to terms with this ever. आपने इतना समय बिताया इस इंडस्ट्री में, आपको लगता है, वैसे टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड तो काफी अलग है, बट क्या आपको लगता है कि यू नो नेपोटिज्म और ये जो थियोरीज आ रही हैं वो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करती है? क्योंकि जैसे आपने कहा आपको लोगों ने चांस दिया, चाहे वो एकता हो, चाहे वो निशा गौतम जो क्रिएटिव हेड हैं वो हो, डीजे इसके लिए काम करते हैं, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। सो ये लोग, इन लोगों ने आगे आकर काम दिया आपको, या यू नो आप में वो टैलेंट पहचाना, आपकी क्या राय है? यार ऑनेस्टली विद ड्यू रिस्पेक्ट टू कंगना, यू नो, वो जो कहती हैं, मैं ये नहीं बोलती कि मैं 100% डिनाई करती हूँ, या मैं ये भी नहीं बोलती कि अरे यार उनके लाइफ में इतना बीता इसलिए शायद वो कह रही है, मैं आई एम नॉट गोइंग पर्सनल, बट आई डेफिनेटली थिंक दिस की नेपोटिज्म का मुझे ऑनेस्टली प्रॉपर डिक्शनरी मीनिंग भी नहीं पता, लेकिन उसका मुझे जिस्ट जो समझ में आता है, आज मेरे पापा आर्मी में थे, यू नो, रिटायर हुए आर्मी से, मेरे पापा बहुत अच्छे पेंटर हैं, और क्या कोइंसिडेंस है, मेरे पीछे पेंटिंग है, मेरे पापा बहुत अच्छे पेंटर थे जबकि वो आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन उनके जो जीन्स हैं वो मेरे अंदर आए। आज मैं चाहे भले ही एक्टर हूँ, वो भी क्रिएटिवली ही देखा जाए तो मैं शायद मैंने पापा के जीन्स लिए जबकि पापा आर्मी ऑफिसर थे, आप मेरी पीछे पेंटिंग देख सकते हैं। अगर मुझे मेरी पेंटिंग मेरी विरासत में मिली है या मेरे जीन्स में मिली है, तो इसमें क्या ये गलत है? आज मैं बहुत मेहनत करके, मैंने स्ट्रगल किया है, मैं लिटरली जीरो पैसे से उठकर, जो भी थोड़ा बहुत, अभी भी कोई अरबपति नहीं बनी हूँ, लेकिन जो भी मैंने कमाया है, आज जेडन उसका फ्रूट लेगा। आज अगर मैं एक मर्सिडीज बेंज खरीद पाई हूँ अपनी पाई पाई जमा करके, तो वो आज ऑटो में नहीं घूमेगा, मैं उसको ऑटो में भी घुमाऊंगी, पॉइंट ये नहीं है, गलत सही की बात नहीं है, लेकिन आज उसको वो प्रिविलेज मिलेगा क्योंकि उसकी मम्मी ने मेहनत की और आज मैं एक मर्सिडीज के लायक बनी और मैं उसको उसमें घुमाऊंगी। तो क्या वो लोग जो शायद आज भी मेरे पास SX4 थी 12 साल, मारुति 12 साल चलाई है मैंने मर्सिडीज के पहले, उसका ब्रेक फेल हुआ इसलिए मुझे मर्सिडीज, मैंने खैर उसके बाद मैंने अच्छी कार ली व्हाटएवर, बट मैं खुद घूमी हूँ। तो ऐसा नहीं है कि जो मर्सिडीज में है वो बोलेंगे अरे यार दलजीत का बेटा इसलिए, तो ये तो अच्छी बात है यार, इसमें बुरा क्या है? मुझे ये लॉजिक जो है ना वो बहुत खटकता है कि नेपोटिज्म में अगर आप ये बोलेंगे कि क्यों नहीं उनको चांस मिलना चाहिए, अगर आज कोई, आप एकता कपूर को ही ले लीजिए, आज वो क्रिएटिव, वो एक्टर नहीं बनी, लेकिन शी इज अ फैबुलस जीनियस इन क्रिएटिवनेस, वो यू नो जितेंद्र जी की बेटी है, उन्होंने वो क्रिएटिव जीन्स उनमें आए, उन्होंने टीवी इंडस्ट्री का काया पलट दिया। हाउ आर यू टेकिंग, तो क्या हम उसको, उनको ये बोलेंगे कि अरे यार वो तो उनकी बेटी है, तो सबके बस का तो नहीं होता है ना,
प्लेटफॉर्म मिलना उनकी उनका लक था, उनकी शायद किस्मत थी और शायद उनका हक भी था, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने इतनी मेहनत की, वो इतने एक लेवल पे पहुंचे कि उन्हें एक हक मिला और उन्होंने ट्राई किया, फिर वो उसके लायक थे नहीं थे, ऑडियंस ने एक्सेप्ट किया नहीं किया, वो एक अलग कहानी हो जाती है। लेकिन अगर आप ये बोलें कि यार फिल्म इंडस्ट्री के बच्चों को क्यों मिले, क्यों नहीं मिले यार, इसमें गलत क्या है? उनके पास नए नक्श, यू नो, पहले से ही मेकअप की नॉलेज, क्योंकि उनके घर में मीटिंग्स होती होंगी तो उनको क्रिएटिवली कई चीजें उनके कान में बचपन से ही पड़ी होंगी। अब सिंगर का बच्चा कितनी बार सिंगर बनता है, क्योंकि बचपन से, आज मुझे नहीं पता रियाज क्या होता है, लेकिन अगर मैं आज, या जेरन मुझे, अगर मैं आज सिंगर हूँ, मैं सुबह 5 बजे उठ के रियाज करूँ, मेरे घर का पूरा माहौल ही ऐसा हो, तो जेरन एक बार तो शायद इंक्लाइन होगा, इसमें गलत क्या है? तो मुझे वो लॉजिक ऑनेस्टली मैं नहीं मानती। द ओनली वन थिंग जो मुझे डेफिनेटली गलत इन सब चीजों में लग रहा है वो ये है कि आप किसी को अगर चांस ना दे, जिसका मैं डेफिनेटली, मतलब हक डेफिनेटली बोलती हूँ कि ये गलत है, अगर मैं आज भगवान करे उतने लायक बन जाऊं, इतने स्ट्रगल के बाद मैं उतनी लायक बन जाऊं कि शायद मेरी खुद की एक एजेंसी हो, तो मैं न्यूकमर्स को डेफिनेटली चांस दूंगी। लेकिन मैं अगर, मुझे कोई सपोज एक्स वाई जेड बड़े स्टार का बेटा या बेटी मिलेगी जिसको विरासत में मिला, मैं उसको भी चांस दूंगी, क्योंकि मेरे लिए आसान होगा उनसे कई चीजें बात करना जो शायद न्यूकमर के साथ ना हो, लेकिन मैं न्यूकमर को भी चांस दूंगी। तो अगर हम इसकी बात करें, चांस की बात करें, तो आई अग्री कि अगर तो आप उनको आउटसाइडर फील करा रहे हो, अगर आप बोल रहे हो कि यार तुम इंडस्ट्री से नहीं हो, तुम कोई नहीं हो, आई विल अग्री दैट इज रॉन्ग और वो चेंज होना चाहिए, दैट इज नॉट फेयर। बट आप ये बोलो कि यार स्टार्स के बच्चों को क्यों मिल रहा है, दैट इज रॉन्ग। ये मुझे कॉन्सेप्ट बहुत, मतलब ये तो बहुत गलत लग रहा है यार, यू नो। और ऐसा नहीं है कि सारे फिल्म स्टार्स के बच्चे सुपर डुपर स्टार्स बने, हमारे पास ऐसे लंबी लिस्ट है जो बच्चे बेचारे, उनको चांस मिला, बड़े बड़े फिल्म करोड़ों के बजट में पहली ही चांस मिला, लेकिन लोगों ने उनको बायकॉट किया, क्योंकि इवेंचुअल विनर कौन है, इवेंचुअल करता कौन है? टैलेंट है और बॉक्स ऑफिस। बॉक्स ऑफिस कौन क्रिएट करता है? लोग क्रिएट करते हैं। अगर आज audience. आज तो वाला है, ऑडियंस करती है ना। मैं नहीं जाऊंगी, अगर आज मैं कोई भी होने दो, कोई भी बड़े से बड़े एक्टर का बेटा होने दो, आई लव विल स्मिथ, लेकिन शायद विल स्मिथ का बेटा, उसका नाम भी जेरन है, अगर वो कोई मूवी करे, मैं शायद एक बार चांस जरूर दूंगी, क्योंकि आई लव विल स्मिथ। लेकिन अगर जेरन कांट डू वेल, मैं नहीं देखूंगी उसकी अगली मूवी यार, मैं नहीं वेस्ट करूंगी। बिल्कुल तो दैट, और मगर फेयर चांस मिले ही नहीं, ये अगर हम लोग करेंगे तो मुझे ये, मतलब, बहुत गलत लग रहा है। एंड बिकॉज आई एम ऑल्सो वेरी क्लोज टू सुशांत, यू नो, आई रिस्पेक्ट द इमोशंस ऑफ द फैंस, बट मुझे ये मतलब उसमें लगता है कि लोगों को ना एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए कि आप गुस्सा किससे हो, यू नो, तो वो एक लाइन ड्रॉ करनी चाहिए। यू कैन बायकॉट द किड्स ऑफ द स्टार्स, दैट्स नॉट फेयर, क्योंकि आफ्टर ऑल किसी भी स्टार किड को उसकी पहली फिल्म मिल जाएगी सिफारिश या अपने डैड के नाम पे, बट अगर उसको आगे काम पाना है तो उसका टैलेंट अच्छा होगा तो मिलेगा। आप ऋतिक रोशन को देख लीजिए, ऋतिक रोशन डांसिंग में बोलिए, स्किल्स में बोलिए, सिर्फ लुक्स की बात नहीं है, उन्होंने प्रूव किया कि यू नो वो कर सकते हैं, यू नो। और कितने सारे ऐसे एक्टर्स हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि नहीं यार वो ऐसे ही उठ के नहीं आ गए, उन्होंने मेहनत की, वो शायद उनके पास ज्यादा पैसे थे तो अब्रॉड जाके उन्होंने शायद 2 एक्स्ट्रा तरीके के डांस सीख लिया, शायद एक्शन ज्यादा सीख लिया, उनके पास शायद वो प्रिविलेज ज्यादा था, लेकिन ही वर्क हार्ड। तो वैसे कितने एक्टर्स हैं जिन्होंने सिर्फ ना, आप रणबीर कपूर ले लीजिए, आप आलिया भट्ट ले लीजिए, आई फील वेरी बैड, आई लव आलिया भट्ट, आई थिंक शी इज अ फैबुलस एक्टर, व्हाट एन इंटेलिजेंट एक्टर, इंटेलिजेंट नॉट की जीके, वो कभी उन्होंने आईएएस के लिए नहीं परफॉर्म किया, तो आई डोंट केयर अ डैम उनका आईक्यू कितना है, शी इज अ फैबुलस एक्टर। और मुझे ऑनेस्टली बहुत दुख होता है जब उनको ये बोल रहे हैं कि अरे यार तो उनकी कितनी अच्छी एक्टिंग है यार, शी इज फैबुलस, आप बड़े बड़े लाइन बोलिए, बोलना। और मैं ये चैलेंज करके बोल सकती हूँ, एज एन एक्टर बोल सकती हूँ कि इतना आसान नहीं होता इतने लंबे लंबे डायलॉग्स बोलना, जहाँ पे आप आंसू भी ले आओ, आप इमोशंस भी ले आओ, वहां रुक भी जाओ, कंट्रोल करो, आपकी स्पीच करेक्ट हो, ये सब करना इतना आसान नहीं होता, ये बोलने वाली बात है। तो यू नो यू कैन बायकॉट दीस पीपल जस्ट बिकॉज ही शी इज महेश भट्ट की बेटी, तो आप उनको बायकॉट कर रहे हो, अरे शी इज अ फैबुलस एक्टर यार। और अब तक तो आप बहुत अच्छे एक्टर नहीं कर रहे थे,
अब तक तो आप हाँ, मतलब, काम पसंद करते आ रहे आप थे। हर्ट हैं, देखिए ऐसा होता है जब हम गुस्से में होते हैं या हर्ट होते हैं, आई अग्री, हम बहुत वेंट आउट कर देते हैं, आई अग्री, लेकिन आई थिंक ये नहीं कर सकते कि हम दूसरों को मतलब बिल्कुल ऐसे कर दे कि अरे यार आप ये नहीं कर सकते यार। एंड बीइंग अ यंग गर्ल, आलिया जॉइन बेड, शी वाज यंग, मैंने स्टूडेंट ऑफ द ईयर नहीं देखी ऑनेस्टली, लेकिन उसके बाद उनका काम हाईवे और बहुत सारे मैंने उनका देखा, शी इज आउटस्टैंडिंग। और मैं लिटरली यही बोलती थी कि यार इतनी छोटी सी है, यू नो ऐसा यूजुअली आप बोलते हो ना कि कोई टॉल ब्यूटीफुल वैसा, शी इज लाइक शॉर्ट, शी इज वेरी क्यूट, और ऐसा कुछ मतलब आउट ऑफ द वे कुछ ऐसा, मतलब जैसे यू नो ऐश्वर्या राय जब आई थी तो देखी हमने, हाँ, बोला था कि यार कितनी वेरी सिंपल लुकिंग गर्ल, वेरी क्यूट, बट व्हाट एन एक्टर, शी कैन होल्ड यू थ्रू अ सीन। ये आज बड़े से बड़े एक्टर्स नहीं कर पाते, आपको दो मिनट का मैं सीन दूंगी, आप दो मिनट ना दो बार तो चैनल चेंज कर लूंगी, तो यू कैन टेक इट अवे फ्रॉम देम, इट्स रॉन्ग। एंड वो मुझे तो जब से ये पूरा लहर शुरू हुई है ना, तब से तो मुझे तो बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या, वाई आर पीपल टेकिंग इट लाइक दैट, बींग हर्ट अबाउट सुशांत, आई विल ज्वाइन द ब्रिगेड, टेल मी वेयर टू कम, आई विल कम, बट डोंट मिक्स इट लाइक दैट, इट्स नॉट फेयर, इट्स नॉट फेयर, राइट। Adadeep, my next question is how easy or difficult it is for a TV actor to shift to Bollywood? I mean, there have been, you know, actors who have worked in films. क्या कभी आपकी उनसे बात हुई है या कुछ आप आपने इंडस्ट्री में आपको पता चला हो, आपने ऑडिशन कभी फिल्म्स के दिए हो? यार honestly, I am very scared of even trying films for a very simple reason, क्योंकि पहली बात तो ना स्ट्रगल का लेवल बहुत अलग है, क्योंकि मार्केट अलग है, मनी का लेवल अलग है, ऑडियंस का लेवल अलग है, यू नो, तो पूरा वहाँ पे गेम, पूरा गेम चेंज हो जाता है द मोमेंट यू गो टू फिल्म्स। टेलीविजन, लाइक आई ऑलवेज टेल पीपल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक गोइंग टू अ जॉब, बिकॉज आप एक ही जगह जाते हो, आप हर रोज आते हो, यू नो फॉर इयर्स वी वर्क इन द सेम प्लेस, सो आई एज अ पर्सन आई फील वेरी कंटेंट वर्किंग इन टेलीविजन। यू नो वेब सीरीज आई कैन डेफिनेटली थिंक मैं कभी शायद करूँ प्रोजेक्ट बेस्ड। फिल्म आई थिंक डेफिनेटली एक टफर वो है, क्या बोलते हैं उसको, प्लेटफॉर्म है। हाँ, प्लेटफॉर्म टफर है, क्योंकि पहली बात तो यू नो इट इज नॉट ईजी टू नो वेयर यू फिट इन। आप एक मेन लीड के लिए ट्राई कर रहे हैं, आप एक कैरेक्टर के लिए ट्राई कर रहे हैं, फिर आजकल आई थिंक इट्स स्टिल ईजियर, लेकिन आई थिंक पहले इट यूज टू बी मोर, बस सबको ऑडिशंस के लिए यू नो सब लोग नहीं जाते थे। अब आई थिंक यू नो वी नो कि एक्स वाई जेड एजेंट्स हैं, अब हमें पता है कि कास्टिंग कहाँ हो रही है, लेकिन जब मैंने इंडस्ट्री शुरू की थी तब इतना नोन नहीं था, इतना इजी नहीं था टू अपियर फॉर फिल्म्स और टू गो फॉर एन ऑडिशन। आपको पता होना चाहिए था कि कहाँ पे हो रहा है, ये सब इतना आसान नहीं था जो अब है, तो मैंने कभी इतना ट्राई ही नहीं किया। क्या टीवी एक्टर्स को कंसिडर किया जाता है फॉर लीड रोल्स? यार आई डोंट थिंक सो, आई थिंक टीवी के आई थिंक सुशांत एक्चुअली इन सच अ ही वाज एन इंस्पिरेशन फॉर मी। यू नो मैं हमेशा ये सबको बोलती थी कि यार अगर यू नो सुशांत कैन डू दिस, ही इज गिवन अस ऑल अ होप कि शायद हम भी कभी कर पाए। सुशांत एक्चुअली लिटरली टेलीविजन में वो एक पहला नाम थे जो जिन्होंने हम सबको एक उम्मीद दी, यू नो कि हम भी एक बहुत बड़े फिल्म कर सकते हैं, हम भी ऐसे यू नो 200 करोड़ की मूवी का नाम हमारे साथ जुड़ सकता है। इट वॉज एक्चुअली सुशांत, ही इंस्पायर्ड आई थिंक ऑल ऑफ अस, एंड आई रिमेम्बर वेरी डिस्टिंक्टली सिटिंग विद सो मेनी नोन पीपल एट वेरियस ओकेजन्स mentioning Sushant, Sushant used to be the topic जहाँ पे हम बहुत डंके की चोट पे बोलते थे यार क्या नाम रोशन किया इस लड़के ने हमारा, you know, because television ends up being a different fraternity। और जैसा आपने कहा, शायद पहले हमको ये बोला जाता था कि आपका फेस इतना exposed है या इतना you know घर घर में इतना लोग इतने लोग देख चुके हैं कि कौन पैसा पे करके आपके लिए जाएगा, so that used to be fed to us and that is what I thought ki ha maybe it is right, you know, agar mujhe koi xyz person jisko main har roz tv pe dekh rahi hu main shayad uske liye na jaun, to ye cheez hame boli jati thi, hum ye samajhte the lekin Sushant ka jab you know when he became you know jab kai poche aayi or all of that happened, to mujhe abhi bhi bolte ho wrong te khade ho rahe hain, that I think I clapped the hardest
उसकी एंट्री पे आई रिमेम्बर हूटिंग यू नो एंड क्लैपिंग एंड विस्लिंग, क्योंकि लगा था यार अपना बंदा वहां गया है, यू नो. एंड ही मेड सो मेनी ऑफ अस प्राउड एंड इंस्पायर्ड एंड होपफुल. एंड जो मैंने जैसे कहा, मैं फिर भी टेलीविजन में खुश थी, लेकिन देयर वर सो मेनी पीपल जो फिल्म के लिए ट्राई करना चाहते थे, यू नो, एट दैट टाइम ही गेव ऑल ऑफ देम अ होप. सो पता नहीं यार, अब सुशांत ने तो किया इतने अच्छे लेवल पे किया, सो आई डोंट नो व्हाट टू बिलीव इन एनी मोर, यू नो. इट हैज जस्ट डिसहार्टेड मी ये पूरा अभी जो स्क्रूटनी जो लोगों की निकल रही है, अब पता नहीं उसमें कितना सच है कितना नहीं है. लेकिन वन थिंग आई नो इज कि सुशांत चेंज्ड द वे वी लुक एट द इंडस्ट्री. ही इज सो मच रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दैट, बिकॉज हम सब में जो एक छोटा सा होप आया ना कि यार हम भी फिल्म स्टार्स बन सकते हैं, इज एक्चुअली सुशांत. ही डिड इट फॉर अस, ऑल ऑफ अस. He changed the way कहीं ना कहीं इंडस्ट्री भी जैसे टीवी एक्टर्स की तरफ देखती है, वो नजरिया भी उन्होंने बदल दिया. Entirely. कई सारी एक्ट्रेसेस गई, मौनी गई, मृणाल इज देयर, मृणाल ठाकुर, उन्होंने हमारे सबके लिए, मैं बता रही हूँ हम लोग कितने, यस यस, मतलब ऐसे चाहे वो परिणीति हो या यू नो कितने सारे लोगों के साथ वो दिखाई दिए और बिल्कुल अच्छे लेवल के एक्टर्स के साथ. तो यू नो उन्होंने टेलीविजन का जो स्टीरियोटाइप जिसको हम कहते हैं, जबकि उन्होंने पवित्र रिश्ता किया जो कि सबसे लंबा शो था, जो कि आई थिंक इतना लंबा चला, तो ये जो चीज हम जो कन्विंस थे या मैं कन्विंस थी कि ऑनेस्ट बात है ना कि आप टेलीविजन पर जो देख रहा है क्यों आएगा कोई, लेकिन फिर रियलाइज हुआ कि नहीं ऐसा नहीं है. अगर आप एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, एक अच्छे फिल्म में आप एक अच्छा किरदार प्ले कर रहे हैं, तो लोग स्टोरी के लिए आएंगे. अगर आप एक अच्छे कैरेक्टर हैं तो वो आपके चेहरे से ज्यादा उस किरदार के लिए आएंगे. वो सुशांत ने हमको आई थिंक एक विश्वास दिलाया उस चीज में, वेयर वी बिलीव्ड इन आवर क्राफ्ट मोर देन वेयर वी वर सीन, जो हमको बोला जाता था हमेशा. तो आई कम्प्लीटली वही मैं बोली ना कि ये लाइक आई फील सो लॉस्ट नाउ कि ही एंड जितना सुशांत को मैं जानती हूँ या आई थिंक जितना आप तो सब जानते हैं कि यू नो ही हैड टू इंस्पायर सो मेनी मोर. मतलब उनके लिए जिस तरह के हार्डवर्किंग टैलेंटेड, वो जो कॉम्बिनेशन उनके उनका था ना, वो ही वुड हैव डन सो वेल, ही वुड हैव डन सो वेल. मतलब उनकी जर्नी तो शुरू हुई थी अभी इंस्पायर. मैं उनकी वो जो वो एक लिस्ट बनाते थे जो सबको ही पता है शायद, यू नो वो ही यूज्ड टू मेक लाइक अ बकेट लिस्ट. जब उन्होंने ये शुरू किया था तो यू नो वो बंजी जंपिंग या जो जो चीजें उन्होंने लिखी थी, तो मैंने कहा यार ये आदमी कितना मतलब कितना अमेजिंग है कि ही चैलेंजेस हिमसेल्फ बीइंग एट सच अ पावरफुल पोजीशन, जहां पे आप टैलेंट वाइज, एक्टिंग वाइज, डांस वाइज, यू नो कितने लेवल पे आप कितना इंस्पायर कर चुके हो, एंड नाउ यू आर चैलेंजिंग योरसेल्फ. तो आप अपने से कितनी एक्सपेक्टेशन रखते हो, मतलब देयर इज नो लिमिट टू द हार्डवर्क दैट गाय वांटेड टू डू. क्यों पढ़ाई करने की जरूरत है उसको, उसको क्या जरूरत थी पढ़ने की, यू नो ही इतने जगहों पे उन्होंने इंस्पायर किया सबको, यू नो. एंड पता नहीं, लाइक आई सेड, यू नो, एंड इट्स अ फैक्ट, आई विल नेवर कम टू टर्म्स विद दिस. ये शायद आप मुझसे 4 साल बाद भी पूछेंगे तो आई विल बी एज यू नो फ्लैबरगास्टेड, और वो नहीं एक्सेप्टेंस कभी भी आएगा. ही हैड टू इंस्पायर सो मेनी ऑफ अस. Thank you so much, Daljeet, for taking out time for my us. My pleasure. It was a pleasure talking to you. And stay safe, take care of yourself, and be happy.